तो आज की रेसिपी होने वाली है किड स्पेशल। ओनली 2 मिनट्स में आप ये बना सकते हैं। बच्चों को डेफिनेटली ये बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ओरियो कपकेक्स, जो सिर्फ 2 मिनट में बन जाने वाले हैं। इसे हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी। जब भी बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन करे या बच्चों को केक्स वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, तो आप ये इंस्टेंट बना सकते हैं। कभी भी बच्चे जब स्कूल से आ रहे हैं तो आप उन्हें सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये बना कर, ये खिला कर उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इनको बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में ही मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ ले लिया है मैंने सभी बच्चों का फेवरेट ओरियो बिस्किट। आपके पास जो भी फ्लेवर अवेलेबल हो या आपके बच्चे को जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ ले लिया है मैंने एक ग्राइंडिंग जार। मेक श्योर ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे बिस्किट्स, और बिस्किट्स को इस तरीके से तोड़ लेंगे। बस इसमें से 2 बिस्किट्स मैं साइड में निकाल लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए। विद क्रीम हम बिस्किट को ग्राइंड करेंगे। तो ये ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में आ गया है। इस कपकेक में हमें ऑयल या बटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बेक्ड बिस्किट का केक बनाने वाले हैं, तो इसमें ऑलरेडी बटर, ऑयल सब कुछ है। तो बिस्किट का जो पाउडर है उसे निकाल लिया एक बोल में, और 2 मैंने मग्स ले लिए हैं, कप्स ले लिए हैं, माइक्रोवेव सेफ। अब इसमें हम ये पाउडर ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट हमें ऐड नहीं करने हैं। तो यहाँ टोटल 3 चम्मच मैं ये पाउडर डाल दूंगी कप्स में। आपका कप अगर बड़ा है तो आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि ये बाकी कप केक्स के जैसे बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर या 1 चम्मच शुगर पाउडर। पिंच सोडा हमें यूज़ करना है, याद रखिए पिंच से ज़्यादा सोडा हमें यूज़ नहीं करना है। अब एक फोक से इन सभी चीज़ों को, जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं शुगर डालने से थोड़ा सा और मीठा हो जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध। तो 3 से 4 चम्मच में दूध ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें वही स्पून यूज़ करनी है जो हम रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं, और फोक से ही हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले कप में भी 3 से 4 चम्मच दूध डाल लेंगे। जो कंसिस्टेंसी है कपकेक के बैटर की वो आप देख सकते हैं, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है, क्योंकि मुझे इसके बाद गार्निशिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसे कम भर रही हूँ। अगर आपको फुल कप भर के बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये मिक्स होके रेडी हो गया है। इसे रखेंगे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट का टाइम सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और 2 मिनट में हमारे जो कपकेक्स हैं वो अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो 2 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से बेक हो गए हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलेंगे, पर ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, साइड से भी काफ़ी अच्छे से बेक हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट। आपके पास अगर डेरी मिल्क है आप उसे भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, 5 स्टार है आप उसे भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, जो भी चॉकलेट आपके पास अवेलेबल है आप उसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर मैं डालूंगी व्हिप्ड क्रीम।
इसे मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स आने तक बीट नहीं किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ चॉकलेट डाल के भी इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर ये इस तरीके से करने से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। आप इसे बर्थडे पार्टीज़ के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इसे आप जो मिनी वाले ग्लासेस आते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं और डायरेक्टली उसे ग्लास में सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ इस तरीके से हाफ पार्ट में मैंने जो ओरियो का पाउडर बचाया है वो इसमें डालेंगे। इसे ये देखने से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और अब इस ओरियो पाउडर के ऊपर हम डालेंगे वाइट चोको चिप्स, या आपके पास किसी भी कॉन्ट्रास्ट कलर में स्प्रिंकलर्स हैं आप वो डाल सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे और बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अब जो मैंने ओरियो का एक बिस्किट बचाया था, दो बिस्किट बचाए थे, वो हम इस पर इस तरीके से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये रेडी हो चुका है हमारा 2 मिनट में बन जाने वाला ओरियो कपकेक। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप इस पर सिर्फ चॉकलेट की गार्निशिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, आप पार्टीज़ के लिए इनको ग्लास में भी बेक कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनके ये रेडी हो जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम बेक करने की सोच रहे हैं या कुछ केक बनाने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक्स आपकी होंगी ही नहीं, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करिए और आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए केक्स और कुकीज़ की रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, होपफुली आपको वो रेसिपीज़ भी अच्छी लगेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।